अक्सर हम दूसरों को सक्सेसफुल देखकर हमारे अंदर वो जलन की भावना क्यों आती है, एंड इट्स वेरी कॉमन, ये लोगों में आ जाती है कि अगर सामने वाले के ने गाड़ी खरीद ली है, भले मेरे पास भी है पर उसने खरीद ली है तो मुझे लगेगा यार इसने कैसे ले ली, इसके पास क्यों है, तो वो भावना को हम कैसे कंट्रोल करें और क्यों आती है आखिर ये भावना? देखिए ईर्ष्या, इसको हिंदी में जेलेसी को ईर्ष्या कहते हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर होना इट्स नॉट बैड कि आपके भीतर इमोशंस हों, ये इमोशंस में ही आता है. जेलेसी हो गया, आप प्यार हो गया, तो ये होगा ही सबके भीतर, आप इसको एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते. हाँ, इसको थोड़ी कम मात्रा ज़्यादा मात्रा अप डाउन किया जा सकता है. और पहले जो आपने कहा कि सफलता को देख करके जेलेसी आती है, जेलेसी कई तरह की होती है, लेकिन आपके क्वेश्चंस के अनुसार जो सफलता है ना उसको देख करके अगर आपके भीतर जेलेसी आ रही है, इट मीन्स अभी आप सक्सेस का सही मतलब नहीं समझे. जब आप सक्सेस का सही मतलब समझने लग जाएंगे तो आपको उस चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं भीतर हर्ष महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा. ये चीज़ आपको धीरे धीरे अध्यात्म सिखाता है. इसके भीतर भी कोई ये चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है कि मैं आपसे कहूँ आप जेलेसी मत रखो और आपने मान लिया हाँ नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. ये जब आप धर्म को समझते हो, जब आप सत्संग सुनते हो, जब सत्संग में आपको बताया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं कि ऐसा करने से आपके भीतर कितना कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं और वो आपको ही इम्पेक्ट करेगा. मान लीजिए मैं किसी से द्वेष करती हूँ, मैं किसी से जेलेस हूँ, तो वो जेलेसी किसको हार्म दे रही है? हमें दे रही है, अंदर हमें दे रही है. अब जब वो हार्म हमें मिल रहा है, हम उस चीज़ को लेकर के रात रात भर नींद नहीं आ रही, उसको सोने के लिए लोग को नींद की गोलियां खानी पड़ती. आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी, सुख से दुखी है, क्योंकि उसको वहाँ रात भर वो सोच करके नींद नहीं आ रही कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया. और फिर उसकी बहुत सारे नेगेटिव जो हमारे जीवन में जो प्रभाव आते हैं उससे हम दुखी हो जाते हैं. तो जब हमें ये सत्संग हम सुनते हैं, संतों की वाणी में सुनते हैं कि नहीं इसको करने से आपका जीवन जो है वो अंधकार की ओर जा रहा है, आप करो जेलेसी, लेकिन जेलेसी करनी है और उससे आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, यानी आपको सुख मिल रहा है, आपकी चैन की नींद आपको आ रही है, तो आप फ्री हो करने के लिए. लेकिन जब आपको उसका इम्पेक्ट आपके ही जीवन में दिखाई दे रहा है तो आप ऐसी चीज़ क्यों करना चाहोगे जिससे आप अंधकार की ओर जा रहे हो, आप अपने जीवन को एक डार्क साइड में लेकर के जा रहे हो. तो ये चीज़ें देखिए, मैं नहीं कहती कि ये एक दिन का प्रोसेस है. जब आप धीरे धीरे सत्संग से जुड़ते हो, जब आप संतों के चरणों में बैठते हो, अच्छे लोगों के संग में बैठते हो, सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है वो है आपका एनवायरनमेंट क्या है. आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको ये कहेगा अरे देखो उसने ये कर लिया, एक दिन बोलेगा आप नहीं सुनोगे, दो दिन बोलेगा आप सुनने लग जाओगे, तीसरे दिन आप मानने लग जाओगे, और चौथे दिन आप उसके जैसे बन जाओगे. आपके भीतर भी वो जेलेसी ट्रांसफ़र हो जाएगी. इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं हर चीज़ में, ट्रांसफॉर्मेशन एंगर का, ट्रांसफॉर्मेशन जेलेसी का. तो अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जो आसपास के लोग हैं उनको चेंज करिए, मित्र ऐसे बनाइए जिनके भीतर इस तरह की समझ हो जो आपको इन चीज़ों से दूर रख सके. अगर आप बैठ करके बस यही बात करते रहोगे अरे उसने इतने करोड़ की गाड़ी ले ली तू तो कुछ भी नहीं है, तो आप वैसे ही बन जाओ. तो इसलिए इन्वायरमेंट बदलो, अपने आसपास के लोग बदलो. बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि हमारा दिन खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है. मैं कहती हूँ समय नहीं खराब चल रहा, आपका दिमाग खराब चल रहा है. आपका दिमाग गलत लोगों के साथ चल रहा है. दिमाग को सही करो, लोगों को सही करो, अपने आप आपका दिन भी अपने आप चेंज हो जाएंगे, आपका समय भी बदल जाएगा. तो अगर इसको दूर करना चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग होना ज़रूरी है. बिल्कुल, आपने इमोशंस की बात की. अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अरे ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएगी. तो क्या इमोशनल होना कोई बुरी चीज़ है? ये भी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. इमोशन तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है. मैं कथाओं में कहती हूँ, जब कथा में हम बैठे होते हैं, मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन के सारे इमोशन यहाँ निकाल दीजिए. आप कथा में हंसिए भी, इसलिए कथा
सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। वहाँ लोग हंसते भी हैं, वहाँ लोग रोते भी हैं। आप जब भी देखोगे कोई ऐसा प्रसंग आता है लोग रोएंगे, वहाँ लोग नाचते भी हैं, वहाँ लोग कभी कभी एकदम हजारों लाखों की भीड़ होगी लगे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब एकदम एकांत, हजारों की भीड़ में भी लगता आप अकेले बैठे हो। तो सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होना बिल्कुल गलत नहीं है, ये लोग बहुत इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हर चीज़ को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म क्रोध भी हो, क्रोध भी एक, देखिए हमारे जैसे मैंने कहा स्टेयरिंग है, पता होना चाहिए कब राइट घुमाना है कब लेफ्ट घुमाना। क्रोध होना गलत नहीं। हम जितने इतिहास में अपने संतों को पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते, क्या उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया? दुर्वासा ऋषि क्रोध किया है, लेकिन उनको पता है मेरी लिमिट यहाँ तक है, मुझको इसको क्रॉस नहीं करना है। एक्सट्रीम कोई भी चीज बुरी है, इमोशंस होना अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम इमोशंस किसी भी चीज़ का वो गलत है। आ गए गुस्सा तो कुछ भी कर देंगे, अगर दुखी होने पे आ गए तो सब कुछ छोड़ के बस दुखी हो जाएंगे, ये एक्सट्रीम होता है, इस चीज़ से बचना है। अगर ये बच गए तो फिर इमोशनल होना ये आपकी पावर है, आपको वो शक्तिशाली बनाती है। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं, मैं कथा में अक्सर ऐसा होता है मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, लोग बोलते हैं कोई जीवन में लगता है इनके बड़ा दुख है जो ये आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं है। कभी कभार जब आप धर्म से भगवान से जुड़ते हैं, उनके स्मरण में, उनकी याद में, और वो होना चाहिए, जब आप एक्सप्रेस करते हैं उन चीज़ों को, भले अकेले में करो, एकांत में अकेले में बैठ के करो, लेकिन एक्सप्रेस करोगे तभी आप भीतर से स्ट्रॉन्ग बन पाओ। लेकिन ऐसा भी होता है ना देवी जी, कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें रोना आ गया, तो आसपास के लोग फिर मजाक बनाने लग जाते हैं, तो हर पिक्चर में रोता है, तो हर पिक्चर में रोती है, तो ये वाली चीज़ को कैसे आप देखती हैं? देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हमेशा लोगों की सोच करके जीवन को नहीं जीना चाहिए, अगर आप गलत नहीं हो तो। हाँ, लोगों की एडवाइस आपके जीवन में एक हद तक होनी चाहिए, उसके बाद फिर लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके दुख में आपका साथ नहीं देने वाले, लोग आपकी खुशी में आपका साथ देने नहीं वाले, आप अकेले ही हो जो अपना साथ खुद दे सकते हो। तो लोगों के सोचने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, आप अच्छा नहीं भी करोगे तो भी कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए कौन आसपास। और जब आपके भीतर से इमोशंस पैदा होते हैं ना, तब आपको कभी भी अपने आसपास नहीं देखना चाहिए, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है, क्योंकि जब इमोशंस आते हैं ना तब आप वो खुद होते हो जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आप जब अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो उसमें दूसरों की इन्वॉल्वमेंट क्यों, आप खुद रहो ना जो आप हो। लोगों के सोचने से मैं ऐसा नहीं करूँ मैं वैसा नहीं करूँ, आप अपने आप को खो देते हो, अपना जो हमारा खुद का जो अस्तित्व है जो वजूद है उसको खो देते हैं। और अस्तित्व खोया मतलब सब कुछ खोया, अपने आप को अगर आपने खो दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो इसलिए आप अपने इमोशंस को खुल के हंसना है, रोना है, कभी कभी चिल्लाना है, क्रोध भी है, तो हर चीज़ को बैलेंस में रख के चलोगे तो लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। बिल्कुल जी।